तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4, 5 इत्यादि, एक ही तरीका रहेगा। सर्वप्रथम आप देखो कि थ्री डिजिट नंबर कौन से हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जैसे 99 की बात करूँ तो ये आपका 2 डिजिट है, लेकिन 100 की बात करें तो 1, 2, 3 डिजिट नंबर, ओके, यानी 100 से आपका 3 डिजिट नंबर का शुरुआत होता है, ओके। ये कहाँ तक चलता है दोस्तों? आपका 99 तक चलता है, क्योंकि आपका 1000 जो है 4 डिजिट नंबर है, ओके। अब देखो हमें यहाँ पर ये तो पता लग गया कि यहाँ से यहाँ तक अपना 3 डिजिट नंबर है। अब हमें चेक करना है कि डिविजिबल बाय 3 कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर के लिए चेक करते हैं। देखिए 100 में आप 3 का डिवाइड करो, कितना 3 टाइम चला गया, 9 आ गया, माइनस किया 1 आ गया, 0 यहाँ ले आया, कितना 3 टाइम चला गया, 9 आ गया, माइनस किया 1 आपका यहाँ पर सेंसफुल आ गया। हमें सेंसफुल से मतलब नहीं, हमें केवल इससे मतलब है जितना कंप्लीट डिवाइड हुआ है, जिससे डिवाइड किया है जितने टाइम डिवाइड हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया दोस्तों आपका यहाँ पर 99 आ गया। 99 क्या है? 2 डिजिट नंबर है। मुझे कितना चाहिए? 3 डिजिट नंबर। तो इससे अगला कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? इसमें 3 को ऐड कर दो, कितना आ गया? 102 आ गया, जो क्या है आपका 3 डिजिट नंबर है। यानी डिविजिबल बाई 3 की शुरुआत कहाँ से होती है? यहाँ से होती है। इससे अगला कौन सा नंबर होगा? इसमें 3 को ऐड कर दो, 105 आ गया। इससे अगला कौन सा होगा? 3 को ऐड कर दो, 108 आ गया, ओके। अब हमें लास्ट की बात करनी है, तो लास्ट को भी चेक करते हैं। देखो ठीक है, 999, इसमें देखिए 3 का डिवाइड किया, 3 टाइम आ गया, माइनस किया 0, 9 को यहाँ ले आया, 3 टाइम चला गया, ओके, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो इसको तो हमें कुछ बदलाव नहीं करना है। अब ये जो आपका एक नंबर का सीरीज बना है, ये दोस्तों आपका एपी आप चेक कर सकते हैं, इसका डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 है, ओके। एपी की चेक कैसे किया जाता है? दो कर्मागत पदों के बीच का डिफरेंस देखा जाता है, यहाँ पे 3 आ रहा है, एपी है। और हमें यहाँ पर क्या पता लगाना है? इसमें कुल पद कितने हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, ये पता लगाना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एपी में जो लास्ट टर्म है आपका कितना है? 999, इसको एन लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एपी में मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म, ये इसका रहा फर्स्ट टर्म 102, उसके बाद क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर एन का वैल्यू हमें पता लगाना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपका ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। यहाँ पे ए एन का वैल्यू रख दें कितना? 999। ए का वैल्यू रख दें कितना? 102। डी का वैल्यू रख दें कितना? 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड लेकर आता हूँ। तो दोस्तों ये आपका प्लस का है, इस साइड आकर माइनस का हो गया, ठीक है। माइनस किया, देखो यहाँ पे कितना आ गया आपका? 7 आ गया, 9 और 8। इसी के साथ देखो यहाँ जो मल्टीप्लाई में होता है, जब उसका साइड चेंज करते हैं तो दूसरी साइड आकर किस में आ जाता है? डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाता है दोस्तों? एन माइनस 1 बच जाता है, ओके। इसमें देखिए 3 का डिवाइड करते हैं, कितना? 2 टाइम चला गया, उसके बाद कितना? 29 आ गया, और 9 3 27, 2 आ गया, अगेन आपका 9 आ चला गया, ठीक है, ओके। ये किसके बराबर? एन माइनस 1 के बराबर। तो माइनस 1 को इस साइड लेकर आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका प्लस हो जाएगा, यानी 299 प्लस 1 कितना आ गया दोस्तों? आपका 300 आ गया। तो यही यहाँ पर आपका क्या है? आंसर है 300। 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। 300 ऐसी संख्याएँ हैं जो 3 अंकों की है तथा वो क्या है? 3 से विभाज्य है, ओके। धन्यवाद।